सारे, ये 18 साल का बच्चा है, इसके ऊपर इसके अंगूठे पे भी निशान लगा हुआ था, ये भी वोट डाल के आया था, जो 12 साल का बच्चा है वो भी वोट डाल के आया था। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर, मैं हूं मेहर बुखारी। मुकदमा है आबिद हसन मंटो का और इल्जाम है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों पर कि वो हर कानून को बलाए ताक रखते हुए मनमानियां कर रही हैं। नतीजतन अमल क्या हो रहा है वो तो आज आपको बताएंगे, लेकिन इंतखाबी अमल को इस कदर महंगा बना दिया है कि कोई आम आदमी सियासी और इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने का सोच भी नहीं सकता। आज नतीजतन पॉलिसी साजी में आम आदमी ना तो हिस्सेदार बनता है और ना ही ये पॉलिसियां उनके लिए बनती हैं। सियासी जमातों में इंतखाबात से लेकर उनकी आमदनियों और अखराजात की कहीं तफसील मिलती है और ना ही कोई खाता सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम खराबियों की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद की। फाजिल चीफ जस्टिस ने आज ये कहा कि इलेक्शन कमीशन नाकारा और गैर मुतहर्रिक हो चुका है, अगर बैलेट पेपर छापना और वोट डलवाना ही इसका फर्ज है तो फिर ये काम तो पोस्ट ऑफिस से भी लिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के रूबरू एतराफ किया कि अभी तक किसी जमात के अकाउंट्स का ऑडिट नहीं हो सका। फाजिल चीफ जस्टिस का कहना था कि सियासी जमातों की वजह से जमहूरी अमल मजबूत होता है, लेकिन इन जमातों के अंदर भी तो जमहूरियत होनी चाहिए और इसको यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जो एक आईनी इदारा होने के बावजूद डरता है। हालांकि इसके हाथ में मुल्क की किस्मत है। अदालत ने एमक्यूएम के वकील बैरिस्टर फरोग नसीम से ये पूछा कि चंदे के बगैर सियासी जमातें किस तरह चलती हैं और पार्टी टिकट किस तरह दिया जाता है। अदालत को बताया गया कि एमक्यूएम के अलावा तमाम जमातें पार्टी टिकट करोड़ों रुपए चंदा के नाम फरोग करती हैं। जस्टिस आरिफ खिलजी मातम कना थे आज कि जमहूरियत के नाम पर सियासी जमातों में इजारादारियां कायम हैं। सियासी जमातों का मकसद सिर्फ इक्तदार में आना बन चुका है। चीफ जस्टिस का ख्याल था नाजरीन के यूं तो कोई ड्रग्स मगलर चाहे तो पूरे मुल्क का वोट बैंक खरीद सकता है बड़े आराम से। किसी जमात का अकाउंट ठीक ना लगे तो इसे उठाकर फेंक देना चाहिए। बात चलते चलते अदालती फैसलों पर अमल दरामद तक पहुंच गई, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दुख से ये कहा कि अदालत ने NRO और कराची टारगेट किलिंग पर फैसले दिए, लेकिन हुकूमत इन पर अमल नहीं करवा सकी, बल्कि उल्टा अदलिया की तजहीक की जा रही है। उनका कहना था कि हम रात को 2:30 बजे तक मुकदमात की फाइलें पढ़ते हैं और जब भी टेलीविजन ऑन करें तो तंकीद सुनना पड़ती है। हम तंकीद समेत हर कीमत अदा करने को तैयार हैं, लेकिन करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई सियासी जमातों के अस्करी विंग्स के खिलाफ दरख्वास्त लाए तो सही, हम सुनने को तैयार हैं। फाजिल जजों ने इस मुकदमे की समाप्त के दौरान जो कुछ समझा और जो भी कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। इक्तदार ही हमारी सियासी जमातों का वाहिद मकसद हयात है। इक्तदार को सोचना, इसे पाना और फिर इसमें खो जाना, यही आरजू और इसी की जुस्तजू है। ना मुआशरे के सुधार की तमन्ना, ना बेहतरी की ख्वाहिश, बस अपने आप से अपने आल औलाद तक इक्तदार का फैलाव ही मंजिल मुराद। सो हमें मुगल बादशाहों के बाद अब सियासी खानदानों के शहजादे शहजादियां ताजो तख्त के उम्मीदवार बनते नजर आ रहे हैं। इस मंजिल के हसूल के लिए भत्ताखोरी भी चलती है, टारगेट किलिंग भी चलती है और बहुत सी और चीजें भी। लेकिन आज भी कराची में आपको बताते चलें कि मजीद 6 लोग टारगेट किलिंग का शिकार हुए। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन गैर मुतहर्रिक ना होता तो सियासी जमातों की जमातों में और शहरों पर अजारादारियां ना होती, बल्कि जमहूरियत असल मायनों में सियासी जमातों के अंदर से होती हुई मुल्क की बुनियादों तक सराइयत कर जाती। मगर इलेक्शन कमीशन मट्टी का वो मादू है जो ना तो सियासी जमातों की तनावें खींचकर उनको राह रास्त पर ला सका अभी तक और ना ही वोटर लिस्टों की सही तश्कील कर सका। कराची की बेशतर जमातें मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 8 से 15 लाख वोटरों की उखाड़ पिछाड़ करके उन्हें कराची से ही निकाल छोड़ा है। इसकी एक मिसाल मोहम्मद यूनस की है कि जो कराची के क्लिफ्टन कैंट के रहने वाले हैं और इनका वोट हैदराबाद की लियाकत कॉलोनी में डाल दिया गया है। ऐसी और भी मसाले हैं जिस तरह आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रही हैं, ऐसी लातादाद मिसालें और इसका इल्जाम कराची की एक जमात पर लगाया जा रहा है। मगर इलेक्शन कमीशन बकौल सुप्रीम कोर्ट गैर मुतहर्रिक है, इसलिए तदारुक फिलवक्त इलेक्शन कमीशन के पास नहीं।
और इसका नतीजा यकीनन अनडाउटेडली बदमनी की सूरत में ही निकलेगा, मगर यहां फिक्र किसे है, होश किसे है। शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन हुकाम ने एतराब किया कि किसी भी सियासी जमात के अकाउंट्स का ऑडिट आज तक हम नहीं कर सके, और जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का तो ये तक कहना था कि बड़ी बड़ी जमातें जो हैं वो चंद लाख के अपने अकाउंट्स जो हैं डिक्लेयर करती हैं। इसी के साथ साथ आज बहुत से अहम तरीन नुकात के ऊपर गौर किया गया, इनके जवाब देना बहुत जरूरी है। ये भी हमने जाना कि कुछ जमातें जो हैं वो महसूस करती हैं कि सिंध में ही सिर्फ 9 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनको सूबे से ही निकाल फेंका गया है। इसके अंदर से नादरा के और इसके साथ है इलेक्शन कमीशन के हुकाम एटलीस्ट इन दोनों के ये इतराफ करते हैं कि 1 लाख ऐसे सिंध के वोटर्स हैं जिनको बलूचिस्तान फेंक दिया है और 15 लाख इंटरनली डिस्प्लेस्ड वोटर्स हैं। ये आखिरकार क्यों हो रहा है और अगला इलेक्शन जो है किस तरह फेयर और फ्री हो सकेगा अगर इसी तरह हम चलते रहे। तो आज हमारे साथ मौजूद है नदीम अफजल चंद साहब, पीपल्स पार्टी के MNA हैं, हमारा साथ दे रहे हैं आज। मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, हमारा साथ दे रहे हैं आज। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, MQM के सीनियर रहनुमा और MNA रशीद गोडियल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब भी मौजूद होंगे जिन्होंने बहुत गौर किया वह इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, इलेक्शन कवरेज भी बहुत की है। मगर मैं मेहनती साहब आपसे आगाज करूंगी, मैं ये आपकी आज मुलाकात हुई इलेक्शन कमिश्नर से भी, क्या तय पाया? एक महीना पहले तो सिंध चैप्टर भी तफ्तीश कर रहा था आपकी इस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल में कराची की जो लिस्टें बनी हैं और सुबह सिंध की, वो बहुत ही ज्यादा जो है अदम इत्मीनान बख्श हैं। और जैसे अभी आपने बताया कि 9 लाख वोट वो हैं जिनको सूबा बदर कर दिया गया, इनके वोट्स जो हैं ठवाटा में या खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में डाल दिए गए हैं। इसी तरह से इंटीरियर सिंध के 1,16,000 वोटरों को जो है बलूचिस्तान में डाल दिया है और बाकी डिस्प्लेस हुए हैं 15 लाख आपने बताया। इस पर हमने इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से बात की और हमने उनसे कहा कि भाई इन इंतखाबी फरिश्तों पर अगर आपने इंतखाबात की है तो ये एक फ्रॉड होगा और कराची में बहुत ही ज़्यादा जो है आवाम के अंदर बेचैनी पैदा होगी कि लोगों को अपने वोट ही नहीं मिल रहे होंगे। 9 लाख वोट तो हैं जिनके वोट ही नहीं है और 15 लाख ये बोगस इंतखाबी फहरिस्तें किसका कसूर है? बहरहाल ये बुनियादी तौर पे तो इलेक्शन कमीशन का कसूर है कि इलेक्शन कमीशन को नादरा ने एक फहरिस्त बना के दी जिसमें नादरा का इलेक्शन कमीशन का काम ये था कि वो घर घर जाके मालूम करें कि वो कराची में वोट डालेंगे या फाटा में या जहाँ भी उनका नाम है। उन्होंने ये काम किया नहीं, बल्कि इनफैक्ट ये हुआ कि हमारे कराची में तो सारे काम जो है यरगमाल बनाए जाते हैं और सेंसस जो है उसके अमले को भी MQM ने जो है यरगमाल बनाया और उन्होंने अपने कब्जे में लेकर तमाम चीज़ें की। और इसी तरह से ये जो फहरिस्तें इंतखाबी फहरिस्तें बनाई गई वो तमाम चीज़ें भी उन्होंने जो है यूनिट और सेक्टर ऑफिस में ले ली और जिसके नतीजे में जो कुछ वहाँ फेयरली होना चाहिए वो नहीं हुआ। MQM कैसे करती है ये? बहरहाल ये जितने टीचर्स हैं वो उनकी डोमिनेंस में है। कराची में आपको मालूम है एक कोई आदमी जो है MQM के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। ये जो चीजें कराची में आज आपके सामने अभी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे भी देख रहे हैं पाई जाती हैं, उसके अंदर बहरहाल एक बड़ा फैक्टर उनका मौजूद है। ये भी टेलीविजन स्क्रीन पे भी लोग देख रहे हैं, मोहम्मद यूनस वाल, मोहम्मद यूसुफ जो हैं, इनका मकान नंबर 28C क्लिफ्टन कैंट के अंदर रहते हैं, इनको निकाल के हैदराबाद डाल दिया। इसके बाद आप दूसरा ये भी देख रहे हैं, मोहम्मद अमानुल्लाह जो हैं ये ब्लॉक नंबर 5 गुलशन इकबाल में रहते थे, इनका जो इंतखाबी इलाका जहाँ इस वक्त गलत इंदराज इनका डाल दिया है जिधर उनको जाके वोट देना होगा वो ब्लॉक नंबर 2 गुलशन इकबाल बना दिया। इसी तरह माजिद अली खान साहब भी हैं जो 5 गुलशन इकबाल में रहते थे, इनको पीर कॉलोनी में डाल दिया है मगर मकान नंबर मोहल्ला कुछ भी नहीं और डिटेल दी, किधर पीर कॉलोनी में कुछ पता नहीं है। मैं गोडियल साहब आपकी जानेब आती हूँ, आपकी जमात पे मुतय्यन इल्ज़ाम लगाया है कि ये 9 लाख जो वोटर्स हैं और इससे बढ़ के दूसरा भी एक फिगर हम अपने सामने देख रहे हैं, ये आपने इन्फ्लुएंस किया, आपकी जमात ने यरगमाल बनाया हुआ है पूरे उस क्रू को और इलेक्शन कमीशन के अमले को जिसने ये जो फहरिस्तें फाइनल तैयार करनी थी। मैं साहबा, मसला क्या आता है कि लोगों को अपनी शिकस्त आज तक भूली नहीं है।
असल मसला ये है, जब तक एमक्यूएम नहीं थी तो ये जो साहब बैठे हुए इनकी पार्टी को यहाँ सीटें मिलती थी। जब इनकी पॉलिसी लोगों की समझ में नहीं आई, लोगों के काम नहीं हुए, तो लोगों ने इनको निकाल बाहर किया। आज भी इस फोबिया के अंदर ये बैठे हुए हैं कि शायद सब कुछ एमक्यूएम करती है। लेकिन वो नादरा का डेटा था महर, और नादरा के डेटे पे इलेक्शन कमीशन लिस्टें बनाई। एमक्यूएम ने किसी को यरगमाल नहीं बनाया, ना यरगमाल बनाने की जरूरत करती है वो। और ये जो काम था इलेक्शन कमीशन का था, नादरा का डेटा था जिसका आईडी कार्ड बना हुआ। लेकिन एक मसला मैंने जो डिस्कस किया था बहुत दिन पहले एक इलेक्शन कमीशन वालों से, उन्होंने सिस्टम एक और बना हुआ है कि अगर मैं रहता हूँ बादराबाद पे और मेरी वालदा अगर रहती है नीपा के पास, तो फैमिली ट्री के हिसाब से मेरा वोट ऑटोमेटिक वहाँ चला जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसमें एक ऑफर की है, एक पर्चा दिया है, एक फॉर्म भर के देना पड़ता है कि मैं नीपा के पास वोट नहीं दूंगा, मैं अपने घर के पास बादराबाद वोट दूंगा। ये इलेक्शन कमीशन का एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, नादरा का सॉफ्टवेयर बना हुआ, इसमें एमक्यूएम का कोई अमल दखल नहीं है। फॉर्म्स हैं गोडियल साहब जो भेज दिए गए और इलेक्शन कमीशन ने, नादरा ने बल्कि अपडेट कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने अपडेट कर दिया, और फिर पता लगा उन लोगों से कि हमने तो कभी फॉर्म भेजा ही नहीं था। आपसे गुजारिश ये है गोडियल साहब कि ये बस जमात इस्लामी ने आप पे इल्जाम नहीं लगाया, मुझे जवाब दीजिए, बस बात सुन लीजिए। ये जी जरूर दीजिए, मगर जमात इस्लामी ने सिर्फ आप पे इल्जाम नहीं लगाया, एएनपी ने भी आप पे इल्जाम लगाया, मुस्लिम लीग नून ने भी इल्जाम लगाया, और जिक्र भी सुन लीजिए, एमक्यूएम को ये काम दे दिया इसने अपनी जमाती जो है असर रसूख इस्तेमाल करके मुफादात के मुताबिक इस फेरिस्त को इस तरह बनाया कि शनाख्ती कार्ड में मौजूदा पते को बुनियाद बना दिया बजाय कि मुस्तकिल पते को बुनियाद बनाई जाए। और फिर आपका मैं बता देती हूँ, फिर आप जवाब भी दे दीजिए, आगे भी इसका जिक्र है इधर जी। मुतहिदा ने हाईजैक कर लिया इस पूरे अमल को, और इलेक्शन का जो अमला उनके साथ मिला हुआ है जिसने नादरा को गलत पते फराहम किए हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। यानी कि एक जमाती तमाम तर जमातें जो हैं वो आपके फोबिया में जिंदा हैं सिंध में। महर साहबा, हकाइक पे मबनी बात करें आप प्लीज, ठीक है ना। हकाइक पे मबनी बात यह है कि ये नादरा का डेटा है, ये डॉक्यूमेंट हकाइक पे मबनी है जनाब। मेरी बात समझ लें या सुन लें, या फिर अपनी आप जजमेंट दे दें, ये काम कर लें आप बैठ के यहाँ पे, या मेरी बात जजमेंट नहीं है, आपसे जवाब ले रही हूँ। हाँ जवाब ले लें, मतलब जजमेंट ना दें अपनी। तो कहने की बात ये है कि इलेक्शन कमीशन बाख्तियार है, नादरा के पास डेटा जिसका आईडी कार्ड बना, मैं आपको सिस्टम समझा रहा हूँ। इस बात पे हमने भी एतराज़ किया था कि अगर मेरे फैमिली मेम्बर जो मेरे फैमिली के बड़े हैं अगर किसी और जगह रहते हैं, सपोज हैदराबाद रहते हैं, तो नादरा के डेटा के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के सॉफ्टवेयर के मुताबिक मेरा वोट वहाँ रजिस्टर हो जाएगा। अब मेरा ऑप्शन बनता है, तो इलेक्शन कमीशन ने तो ऑप्शन दिया है कि मैं फॉर्म भर के दे दूँ तो मुझे हैदराबाद वोट नहीं देना, मुझे कराची वोट देना मेरा। अब ये मौजूदा पता और मुस्तकिल पता की बात करें, आपने बोला कि मौजूदा पते पर वोट इंदराज हुआ है, होना तो मुस्तकिल पते पर चाहिए था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो किया है कि फैमिली के जो बड़ा फैमिली ट्री जिसको बोलते हैं, फैमिली ट्री के हिसाब से उन्होंने वोट रजिस्टर किया, उसमें एमक्यूएम का अमल दखल कहाँ से आ गया। असल मसला ये है कि यहाँ पे इलेक्शन लड़के ये जीत नहीं सकते, अवाम के दिलों में उतर नहीं सकते, उन्होंने अवाम के लिए कोई काम अच्छा, नहीं किया। अब मुझे अवाम के लिए काम अच्छा, किया, अब मुझे इजाजत दीजिए मुशाहिदुल्लाह साहब, मैं जानना, मैं सुन लिया जनाब, और भी लोगों से बात करनी है, आपसे फिर आऊंगी आपकी जगह, कंप्लीट करने देना मैं, फिर आप ये सिलसिला बंद करें ना, कि अवाम के लिए जिसने काम किया अवाम उसको वोट देते हैं। अब जिनको मुस्तरद कर दिया है, उनको पता है इलेक्शन में वोट मिलेंगे नहीं, तो वावेला और ढोंग रचाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। हमारा कोई अमल दखल इलेक्शन कमीशन पे नहीं है, हमारा कोई अमल दखल नादरा पे नहीं। प्लीज मैं मुशाहिदुल्लाह साहब आपकी जानिब आती हूँ, क्यों आपकी जमात को भी ये महसूस हुआ कि एक जमात ने जो है खसूसी तौर पर यरगमाल बना लिया पूरे अमले को, और मैं सिंध से आगाज कर रही हूँ, फिर पूरे मुल्क की जानिब भी जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें बात यह है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि हमारे लोगों का ये कहना है वहाँ पे, और वो अदालत में भी गए हैं इस सिलसिले में। यरगमाल बनाने की मैं बात तो नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट का अमला हो या कहीं का भी कोई भी अमला हो, इसमें कोई शुबा नहीं है कि एमक्यूएम का असर जो है वो बहुत ज़्यादा है। और माजी में भी जब हल्का बंदियाँ हुई थी उस पर बड़ा शदीद एतराज़ हुआ था, 2008 के इलेक्शन में, इवन 2002 के इलेक्शन में हुई थी असल में, तो उसमें भी बहरहाल यही इल्ज़ामात लगे थे। और अब इस ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो अदालत का काम है कि उसका
पता लगाए, इलेक्शन कमीशन का काम है। उनकी ये तो ख्वाहिश होती है कि सियासी जमातें जो हैं वो बहुत संजीदगी से बिहेव करें, लेकिन इस तरह के जो वाकयात होते हैं ये बग़ैर किसी की मिली भगत और किसी असर व नफूस के बग़ैर हो ही नहीं सकते। अगर ये वहाँ पे इतनी मैसिव शिकायत है, मैं ख़ुद वहाँ से इलेक्शन लड़ता हूँ, मेरे हलके से लोगों ने मुझे बताया कि हज़ारा वोट जो हैं जो पहले वहाँ पे मौजूद थे, अब कोई कोरंगी में है, कोई लांडी में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो किसी ने तो कोई ना कोई काम तो दिखाया है ना, वरना पिछले दोनों इलेक्शन में वो वोट जो थे वो अपनी जगह पे थे और इस इलेक्शन में क्यों इधर उधर हो गए हैं। तो ये जरूर इसको डिग आउट करना चाहिए और इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, मगर सुप्रीम कोर्ट का तो यही रोना है कि हम तो फैसले देते हैं उन पे अमल दरामद नहीं होता। आज भी बात की जा रही है कि भत्ता कौन ले रहा है, क्या मसले, हमारे पास कोई पिटीशन लाए तो हम सुनेंगे। इफ्तिखार चौधरी साहब, इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, जंग ग्रुप से मुंसलिक हैं। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी जानिब आती हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो है इंतखाबी इखराजात के हवाले से ये पूरा मामला उठाए हुए है और साथ ऑब्जर्वेशन भी आज बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी हुई हैं, खुल के सामने आ रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पता लग जाए कि इलेक्शन कमीशन आखिरकार क्यों मुतहर्रिक नहीं है, एक्टिव नहीं है। तो इफ्तिखार साहब आप बताइए, आपने तो बड़ा काम किया इस पे, क्लोजली देखा भी है, अगर इलेक्शन डे इटसेल्फ उसके अखराजात देख लें तो इजंट दैट स्टडी इन इटसेल्फ। इलेक्शन डे वाले दिन 200 पोलिंग स्टेशनों को मैनेज करना है और आपके पास दो पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों की मैं बात सुन रहा हूं, 200 पोलिंग स्टेशनों पर कम से कम उस दिन 10 लाख से लेके 30 लाख रुपए का खर्चा सिर्फ उस दिन पोलिंग डे के ऊपर है, जिसमें टेंट हैं, कुर्सियां हैं, खाने दिए जाते हैं, पूरे इंतजामात हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ बहुत सादा सी बात है। और जो इलेक्शन कैंपेन पूरी है उस पर पैसा कितना लगता है, अब तो होर्डिंग बोर्डिंग जो होते हैं वो देखने वाले होते हैं। तो मसला ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास कोई इतने ज्यादा ना तो रिसोर्सेज हैं, कम से कम इनको इंडिया के इलेक्शन कमीशन को ही स्टडी अगर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन कर ले तो मेरा ख्याल है कि इसको बहुत सारे रस्ते ऐसे नजर आएंगे। मसलन वहाँ पे वीडियो अपना सर्विलियंस टीम्स काम करती हैं ड्यूरिंग दी इलेक्शनियरिंग, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, तो क्या कर सकते हैं आप तो... अभी देखे ना कि जो इतना हेलो जी जी इफ्तिखार साहब सुन रही हूँ। देखिए ना, ये जो आपका कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स ऑर्डिनेंस 1979, इसमें बहुत ज्यादा तब्दीली की जरूरत है। दूसरी बात है कि जिस मुल्क में सियासी पार्टियां ही ना हो और सियासी पार्टियां सिर्फ उस वक्त किसी इलाके में आपको नजर आए जब इलेक्शन हो रहे हो और सियासी वहां भी वहां सियासी पार्टी जो है वो कुछ अफराद के गिर्द घूमती हो और उस अफराद के ही लोग उसके गिर्द घूमते हो, वही इलेक्शन कैंपेन सारी करते हो, तो एक आम आदमी का तो रोल इस इलेक्शन में कोई नहीं है। मासवे ये कि इलेक्शन वाले दिन जाके वोट डाल लेते हो और वोटिंग पे अगर आप गौर करो तो 70 से लेके अब तक वोटिंग आस्ते आस्ते पीछे हटती जा रही है, ये भी एक और चीज है जो इलेक्शन। मैं एक छोटा सा वक्फा लूंगी, इफ्तिखार साहब हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बाकी सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत नहीं है। चीफ जस्टिस भी इस हवाले से आज बहुत अफसरदा थे, यही जानने की कोशिश करेंगे क्या हमारा मुस्तकबिल इन सियासी शहजादों और शहजादियों के ऊपर ही अब इसके साथ ही नथी हुआ है। और चंद साहब से पूछेंगे कि सरगोधा से जीत के तो आए हैं, इन्होंने पिछले इलेक्शन में 2008 में कितने पैसे खर्चे थे अपना इलेक्शन जीतने के लिए। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, वापस आने का शुक्रिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर कोई ड्रग माफिया भी, स्मगलर भी चाहे तो पाकिस्तान के पूरे वोट्स खरीद सकता है। क्या वाकई ये सच है, क्या हमारी सियासी जमातों में वाकई जमहूरियत नहीं है और अपने अकाउंट्स जो हैं वो चंद लाख ही क्यों डिक्लेयर करती हैं, क्यों नहीं उन अरबों करोड़ों का बताया जाता कि जो जिसकी वजह से सियासी जमातें जो हैं आज चल रही हैं, जिन करोड़ों और अरबों के साथ इलेक्शंस लड़े जाते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, चंद साहब आपसे मैंने पूछना था कि मेरी इत्तलात के मुताबिक आपने 80 लाख खर्चे हैं सरगोधा में अपना अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान। देखें, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि अब हमारे हलकों में तो गो हमसे वोटर पैसे नहीं लेता, लेकिन वो हलके भी हैं जहाँ जो पोलिंग एजेंट बैठते हैं वो भी पैसे लेके बैठते हैं और पोस्टर, स्टिकर, बैनर्स, ट्रांसपोर्ट। इफ्तिखार साहब ने ठीक कहा है कि जो पोलिंग डे का खर्चा है ना वो भी 30-40 लाख में पहुँच जाता है, क्योंकि हर पोलिंग स्टेशन पर आपने ट्रांसपोर्ट देनी होती है। और हमारा वोटर जो है, हमारा वोटर समझता है कि मेरा एहसान है कैंडिडेट के ऊपर, मैंने वोट कास्ट करने जाना है, उसने कभी मुल्क के लिए या कभी किसी काज के लिए वोट कास्ट नहीं किया। क्यों वोटर का कम होता है कास्टिंग, वोटर को बड़ी मिन्नतें करके पोलिंग स्टेशन पे लाना पड़ता है। और जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना,
जो इधर बैठ के इस्लामाबाद लाहौर जो बड़ी सिविल सोसाइटी सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी है ये तो वोट कास्ट करने भी नहीं जाती। वोट भी आप देखें आम आदमी वोट कास्ट करता है, मिडिल क्लास वोट कास्ट करती है, कभी अमीर आदमी कभी बड़ा आदमी कभी सरकारी मुलाजम ने वोट कास्ट ही नहीं किया। मुझे ये बताइए इफ्तिखार साहब, एक आम आदमी 80 लाख रुपए कहाँ से लाए? वो तो सोच भी नहीं सकता ना इलेक्शंस लड़ने का। अगर अगर 80 लाख लगते हैं सरगोधा जैसी जगह में इलेक्शन लड़ने के, तो एक आम आदमी क्या करे? देखिए इसके लिए आम आदमी के लिए तरीकाकार तो यही है ना कि जो हमने लिमिट मुकर्र की है कानूनी तौर के ऊपर उसके अंदर आ जाए, लेकिन इस लिमिट के अंदर रहना हमारे मुल्क में तो मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी ने भी जाके इस बात पे कभी पिटीशन की और कुछ पिटीशन का नतीजा निकला। आपके लिए ये जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले में जो ये जो एक जजमेंट है उनकी दिस इज नोन एज कंवर लाल गुप्ता वर्सेज अमरनाथ चावला, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो पैसे की पाबंदी शर्त है उसकी वजह ये है कि वो ये जरूरत इस बात की है कि जो इंसान है जो फर्द इंडिविजुअल या पोलिटिकल पार्टी वो बराबर की फुटिंग और इक्वालिटी के ऊपर इस इलेक्शन के अंदर जाए, इसलिए ये लाजमी है और उन्होंने इसमें बहुत सख्ती की है और हमारे मुल्क में इसके लिए हमारे पास सिस्टम ही कोई नहीं है। दूसरी है इख्तियार, आज तक इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया। अगर इलेक्शन कमीशन इख्तियार इस्तेमाल करना भी चाहता है तो उसके पास सिर्फ इख्तियार इतना है कि कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट जितना, मगर आईनी इदारा है क्यों डरता है, सुप्रीम कोर्ट भी आज पूछ रही थी उसमें मैं उसने एज सच किसी हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट की हो, ये कुल इख्तियार हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार साहब उसमें असल में चीज है कमर दिलशाद या जस्टिस अरशाद हसन खान तो नहीं करेंगे ना, उन्होंने क्या करना था? पहली दफा इलेक्शन कमीशन आजाद हुआ है, पहली दफा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो असेंबली के अंदर है उनके कंसेंसस से हमने इलेक्शन कमीशन बनाया है, और अब वो कमर दिलशाद माफिया जो है अब उन्होंने वो इलेक्शन कमीशन तो नहीं होता था, वो तो एक डिक्टेटर एक आमर और एक पसे पर्दा कुबतों के बनाया हुआ इलेक्शन कमीशन था और एक इंजीनियर रिजल्ट लाने का अमल उनका होता था। अब इलेक्शन कमीशन आजाद हुआ है पहली दफा, अब इस इलेक्शन कमीशन ने ये पहली दफा एक आजाद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं, तो इस इलेक्शन कमीशन का काम तो अब इस वोटर लिस्टों से शुरू हुआ है और इंशाल्लाह इलेक्शन डे पे आगे वोटर लिस्टों के बारे में बहुत डिबेट शुरू हो चुकी है, ये भी तो आपके लिए में आ गया ना। नहीं डिबेट हुई है लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन का सारा कसूर नहीं है ना, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। मेरे घर से 12 मील के फासले पर रिकॉर्ड में शो किया जा रहा है, ना तो मेरा कोई मसला है मेरे माँ बाप के शनाख्ती कार्ड का, मेरे वालदैन तो फौत हो चुके हैं तो वो भी बुनियाद नहीं हो सकती कि मेरे वालदैन के हवाले से कोई इन्होंने मेरा वोट वहाँ पे ले गया हो, और मेरा तो मुस्तकिल वो भी एक है लेकिन मेरा वोट किलोमीटर दूर है, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पे जाके वोट कास्ट भी कर सकता हूँ नहीं कर सकता, इसमें भी तो गौर करें ना जी। नहीं इफ्तिखार साहब ने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि 12 मील दूर उनका वोट डाला गया है, मैं अभी आपके सामने बता रहा था कि कराची के अंदर तो उन्होंने तकरीबन 25 लाख वोटरों को डिस्टर्ब किया है, और जो बात हो रही है मुस्तकिल पते की और गोडियल साहब ने कहा जो हाँ पते की उसका असल बात यह है कि मुस्तकिल पता तो आदमी ने लिखा हुआ है कि वो खैबर पख्तून कहाँ से है या पंजाब से है या कहीं से रहता, कराची पंजाब में, कराची में 50 साल से वो रहता है, उसकी औलाद ने तालीम हासिल की सब कुछ उसने किया है, लेकिन उनका नाम निकाल के खैबर पख्तूनख्वा में डाल दिया, उनका नाम पंजाब में डाल दिया, तो ये जो है इतना बड़ा मैं समझता हूँ कि फ्रॉड है कि जिसको जिसको देखना चाहिए। और नहीं दूसरी इफ्तिखार साहब दूसरी बात जो आपके साथ हुई है ये कराची के अंदर ये कराची में तमाम सियासी जमातों के कारकुनों के साथ तमाम लोगों के साथ हुई है, काम बन जाता है अखलाकी तौर पे कि अपने नौजवानों के जिम्मे काम लगाए और डोर टू डोर जाके अपना करेक्शन की जाए अपना वोट लिस्ट के अंदर। अगर अगर मुझे मैं गोडिल साहब आपकी जानिब आती हूँ, क्या बात है कि अगर इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है सिंध में जो सारी सियासी जमातें मुत्तफिक है, तो आपकी जमात इस ह्यूज फ्रॉड के को क्यों नहीं ओनरशिप ले रही, इसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठा रही? क्या बोली? हेलो गोडियल साहब मैं कह रही हूँ एम जी, इतना बड़ा अगर इलेक्ट्रल लिस्ट के साथ फ्रॉड हुआ है छेड़ हुई है तो आपकी जमात क्यों नहीं इस इशू की ओनरशिप ले रही और आवाज उठा रही? मेयर साहब एक सवाल का आप मुझे जवाब देंगी, क्या ये मामला फैमिली ट्री वाला जो है सिर्फ कराची में हुआ, लाहौर में नहीं हुआ, फैसलाबाद में नहीं हुआ, मुल्तान में नहीं हुआ, पिशावर में नहीं हुआ, उस पर डिस्कस किया आपने? कराची में ज्यादा हुआ है, शिकायत इस लेवल पे कराची में नहीं हुआ, कराची में सारी सियासी जमातें शामिल हो के तमाम जमातों ने एहतजाज किया है। मोहम्मद हसन मेहनती साहब बात सुन ले मेरी, कराची में आपको इसलिए लगता है कि यहाँ जीत नहीं सकोगे आप,
यार जब जीत नहीं सकते नहीं, हमने आपको हरा के पहले भी दिखाया है वो मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी एमक्यूएम को हराया, इंशाल्लाह आप भी हराएंगे, लेकिन इंतखाबात फेयर होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन का हमारा ताल्लुक नहीं है, नादरा का। इंडिपेंडेंट दारे हैं वो काम करें, उनको ठीक करें, जो गलत हुआ उस पर तसी करें। किसने मना किया आपको? मतलब सिर्फ इल्जाम तराशी आपका सेवा बन गया। काम करो मेरे भाई, अवाम के लिए कुछ काम करो। एमक्यूएम ने तो गरीब मुतवस तबके को असेंबली भेजा है, डोनेशन लेके टिकट नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने इस बात को माना है कि एमक्यूएम में डोनेशन नहीं लिया जाता, एमक्यूएम के उम्मीदवार का नाम कारकुन देते हैं, ऊपर से नहीं आता कि मैंने कोई विश जाहिर की, मैंने 1 करोड़ चंदा दे दिया, 5 करोड़ चंदा दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। लाहौर में लिस्टें खराब है उस पर आप बात नहीं करते हो मेरे भाई। इलेक्शन कमीशन एमक्यूएम का इदारा नहीं है, नादरा एमक्यूएम का इदारा नहीं है, लाहौर में जिससे खराब है सवाल से खबरें छप रही हैं सवाल से गोडियो साहब, उस पे बहस की आपने, मुल्तान में खराब हुई उस पे बहस की आपने, नहीं किया आपने। अगर आप इजाजत तो दे दें गोडियो साहब, या तो आप प्रोग्राम कर लें या मैं साहब प्रोग्राम करें। अगर इस तरह से अगर आपने करना है तो फिर हमें बुलाना तो बेकार हो गया ना गोडियो साहब, इजाजत दीजिए साहब। सिर्फ इल्जाम तराशी कर रहे हैं ये तो देखो, जिस तरह से आज कर रहे हैं इलेक्शन में भी यही धांधली करते हैं, लोगों ने आपके इलेक्शन में भी यही धांधली करते हैं, इलेक्शन में कराची के अंदर भी यही धांधली है कि किसी को बोलने का मौका नहीं देता, किसी को जो है किसी को आवाज नहीं उठाने देते, ये सिर्फ अपनी चलाते हैं। सारे पाकिस्तान में ऐसा ही कुछ हुआ। बात सुनो जरा, बात सुनो यार। अच्छा एक बात सुन लीजिए गोडियल साहब, आप इजाजत दे दीजिए, एक इजाजत दे दीजिए गोडियल साहब, इजाजत दे दीजिए। हर सूबे की खबरें उठेंगी मगर इस पैमाने के ऊपर नहीं, नहीं इस पैमाने के ऊपर कोई खबर ना आई है। आपके खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है कराची में, आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इशू लेके जाया जा रहा है, मैं इसलिए बात कर रही हूँ इस हवाले से। इसके ऊपर तफ्तीश और कमीशन बनी हुई है। मैं तो आपके प्रोग्राम देख रहा हूं, मैं बात ही करना चाह रहा हूँ, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि असल बात ये पाकिस्तान भर में जहाँ कुछ हुआ है वो दिखाएं, लाहौर दिखाएं, मुल्तान की लिस्टें दिखाएं, पिशावर की दिखाएं, क्वेटा की दिखाएं, वहां पे भी यही कुछ हुआ है। लाहौर में शिकायत ही नहीं आई ना मेरे भाई, देखिए वहां वोट है हमने, तो उस लिस्टों को ये देखिए हमने कराची में वर्दी की है और ये हक नहीं दे रहा। हाँ किसी को बोलने का हक नहीं है भाई, मौका दे हमें, अगर आपने बात करना है तो हमें क्यों बुलाया मेरे साहब ने भाई, बोले इलेक्शन करने कराची में किसी को जीने देते हो ना, वोट लड़ने देते हो ना, इलेक्शन लड़ने देते हो मेरे भाई, ना किसी को जो है किसी 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 चीज के अंदर आपने इजाजत नहीं दी हुई। कराची शहर आपने हर तरह से मशहूर बना के रखा है और इस तरह से काम नहीं चलेगा। कराची शहर काम किए तो लोग वोट देते, लोग तंग आ चुके हैं, आप लोग चाहते हैं कि कराची में बिजनेस हो, कराची में अमन हो, कराची में पत्ता खत्म हो। आपने तमाम चीजों को ऐसे मुसलत किया हुआ, ऐसे निजात कराची को पीछा छोड़े। अगर अगर एक अब मुझे कराची हमारा शहर है, खुदारा खुदारा कराची है हमारा शहर है, आप पीछे छोड़े लंदन में बैठे ये सब बातें करते हैं, आप छोड़े पीछे हमारा, वेलफेयर करें, पब्लिक की खिदमत करें, पब्लिक चाहती है। मुझे इजाजत दे दीजिए एक सेकंड बात करने की, बातों से वोट नहीं मिलता। अगर ओनरशिप लेनी है तो गोडियल साहब आप भी 15 लाख लोग जो मुतासर हैं इनके वोट वापस इनके एड्रेस सही करा दें लिस्टों के ऊपर। दूसरी बात आपने कहा ना कि फोबिया है दूसरी जमातों को, तो ये लिस्टें हैं सारी नून लीग की, एएनपी की, जमात इस्लामी की, दीगर जमातों की, जिनको शायद मे बी योर राइट आपके खिलाफ फोबिया हो, मगर मैं ब्रेक पे जाने से पहले ये जरूर क्लियर कर दूं गोडियल साहब, आप इजाजत तो दे दीजिए गोडियल साहब बात करने की। गोडियल साहब बात करने की इजाजत दे दीजिए, मैं बोल रही हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है। मैं आपकी इस बात के ऊपर जरूर एतराज करती हूँ जो आप कह रहे हैं कि इधर भी बायस है, मीडिया के अंदर किसी और की बात ना सही, मगर मुझे एमक्यूएम फोबिया नहीं है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वापस आने का शुक्रिया। ये भी आज कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि सियासी जमातों का मकसद सिर्फ इक्तदार में आना है और जमहूरियत के राग लापने वाले तो अपने जमातों के अंदर भी, इनकी जमातों के अंदर भी हम जमहूरियत नहीं देखते। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मैं आपकी जानेब आऊंगी, मुझे ये बताइए कि क्या वाकई सियासी जमातों में आज हमें कहीं से भी जमहूरियत नजर आती है? और अगर आती है आपकी सियासी जमात की बात कर लेते हैं, मरियम नवाज शरीफ का कौन सा ओहदा है, क्या ओहदा है, वो लैपटॉप्स क्यों बांटने गई, किस हक से बांटने गई, क्या ये सरकारी पैसे नहीं थे, क्या ये किटी के पैसे नहीं थे या शायद रायवंड के अपने ज़कात फंड था?
जी शुक्र है आपको ख्याल आ गया, काफ़ी देर बाद मैं तो इंतज़ार कर रहा था, ये आपस में इतना ज़्यादा गुफ्तगू हो रही थी। मैं उस सिलसिले में सिर्फ एक छोटी सी दलील देना चाहता हूँ, मैं इस लड़ाई में नहीं पढ़ना चाहता कि किसने किया है, एमकेएम ने किया है या जमात इस्लामी ने किया है या नून ने किया है, 15 लाख या 25 लाख वोट जो इधर उधर हुए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अपने भाई रशीद गोडेल से कि ये इशू कराची का इशू है, अगर वहाँ पे वोट आगे पीछे हुआ है इधर उधर, तो अगर सारी जमातें उस पर एहतजाज कर रही हैं, एमकेएम एहतजाज नहीं कर रही और कुछ कर भी नहीं रही, तो फिर क्या मैसेज जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि एमकेएम को भी सारी जमातों के साथ मिलकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश हल करना चाहिए। हम बोल चुके हैं, हम मुझे मेरे जी हम मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने मरियम नवाज का कहा, मरियम नवाज लैपटॉप देने गई है, कोई भी जा सकता है, किसी भी जगह पे कोई मेहमान खसूसी बन सकता है। लैपटॉप मरियम नवाज देने पे एतराज है, आप लैपटॉप देने को प्रेस करें कि 3 सूबों में यह काम नहीं हो रहा, फेडरल लेवल पे कोई भी कैसे जा सकता है, पब्लिक फंड्स में से लेके लैपटॉप दिए जा रहे थे, या मुझे बताइए कि या शरीफ ब्रादरान के पर्सनल अकाउंट्स में से खरीदे थे, वो कैसे कोई भी जा सकता है? नहीं, पर्सनल अकाउंट में से नहीं, पर्सनल अकाउंट में से किसी का भी कभी नहीं खरीदे जाते। बात यह है, मुझे बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी हो या प्राइम मिनिस्टर साहब के सारे बेटे या बीवी हो, वो उन लोगों को जो प्रोटोकॉल मिलता है ना सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी, तो उस पे तो चलो फिर ये इतराफ कर लेना कि रवायत गलत कामों की है इस मुल्क में, ये गलत काम करते हैं तो आप भी गलत काम करते हैं। लेकिन लेकिन नहीं, इसमें और उसमें बड़ा फर्क है। मरियम नवाज एक यानी कि ना तो उनका कोई होता है, एक 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 साबिक वजीर आजम की बेटी है, अगर वो कहीं जाके स्टूडेंट्स में यूथ हैं वो भी, अगर वो जाके एक एक जेस्चर दे रही है, किसी ना किसी के तो जाना होता है। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इन्वॉल्व हो जाए, दीगर लोग अभी कल अगर पैसे देने के साथ, मुझे कोई इसमें मंतक नहीं नजर आती। अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, एक सेकंड मुझे इजाजत दीजिए, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रियर एडमिरल रिटायर्ड तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं, इनके साथ भी कुछ आई मीन मुतासिर लोगों में से ही हैं कि जिनके साथ इनके भी वोट के साथ घपला किया गया है। एडमिरल साहब बताइए, कराची से ताल्लुक रखते हैं, आपका नाम और आपकी बेगम का नाम क्या वोटर लिस्ट गलत में इंदराज डाल दिया गया है? अस्सलाम वालेकुम मेहर, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने अपॉर्चुनिटी दी है, ये सिर्फ मेरा मसला नहीं। मैं प्लीज़ पहले क्लेरिफाई कर दूं कि मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं। आई थिंक आपके प्रोग्राम में आप, मैं और इफ्तखार साहब आर दी ओनली 3 इंडिविजुअल्स जो कि नॉन पॉलिटिकल हैं। हमारे यहाँ पे नेवल हाउसिंग स्कीम में तकरीबन 550 घर हैं जी। अच्छा, इन 550 घरों ने पिछली दफ़ा हमने अपने एरिया में जब यहाँ पे इलेक्शन लास्ट हुई थी तो हमने हलीम सदीकी साहब इंडिपेंडेंट थे वो अभी जी, और उनके बरखिलाफ थी अपनी खुशबख्त वेरी केपेबल लेडी, बट हमारा ये इरादा था हम सब का कि हम इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल को लेके आए। इस बार जो वोटिंग जो वोटर्स लिस्ट तैयार हुई है, मेरा शनाख्ती कार्ड कहता है कि आई एम अ रेजिडेंट ऑफ नेवल हाउसिंग स्कीम विच इज इन जमजमा क्लिफ्टन कराची। बिल्कुल जी, मेरा और मेरी बीवी का एड्रेस दिया हुआ है, हमें गुलशन इकबाल में डाला गया है, और ऐसे 250 और बंदे हैं जिनको चाकीवाड़ा और सुराब गोड के पोलिंग स्टेशंस दिए गए। बहुत बेहतर जी। अच्छा, मैंने मेरा इस पे इलेक्शन कमीशन में मेरा वक्त खत्म हो गया है, बस आपकी आप ये सुनना था कि आप भी ऐसे लोगों में से। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, गोडियल साहब अगर एक सेंटेंस पे कुछ कह सकते हैं तो बोल दीजिए। मैंने बताओ कि मेहर साहबा, मेरी वालदा बादराव पे रहती है, इनका नाम कुलसुम है, उनका वोट भी रजिस्टर गुलशन इकबाल में है, हमने उसको तस्सी के लिए फॉर्म दिया। दूसरी बात, पार्टी इलेक्शन की, तो हमारे पार्टी इलेक्शन होते हैं, हमारे वर्कर मुंतखब होते हैं, हमारा ऑडिट होता है और बाकायदा इलेक्शन कमीशन में जमा होता है, और इलेक्शन कमीशन की लिस्ट दे सकते हैं कि हमारा पाबंदी के साथ होता है। तो ये मिसाल अगर बात बहुत बहुत, तो बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं माजरा चाहती हूँ चंद साहब आपसे भी, ये कंटिन्यू रहेगा सिलसिला, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी एमक्यूएम से भी, नून लीग से भी, जमात इस्लामी हर जमात से कि क्या ऑडिट रिपोर्ट्स अपनी जमा करवाई हैं, इनमें से किसी भी जमात ने, ये जानने की कोशिश करेंगे और आपको इस हवाले से आगाह रखेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।